हमारे बॉलर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो आप भी तो हार सकते थे, मतलब पाकिस्तान की टीम भी तो हार सकती थी। ओए मेरी बात सुनो, मोटो के ग्लैडिएटर्स तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, कोई कोई गलत तरीके से मिलेगा। शाहीन ने भी आज 50 किए, उसने भी यूं ठीक है मुंह पे उंगली रख दी। भाई मुझे एक चीज बताओ, ये आमिर जमाल हो गया, ये शाहीन हो गया, ठीक है ये अब्दुल्ला शफीक साहब ने शायद एक कैच पकड़ा था उसमें यूं कर दिया था, भाई ये क्या करना चाह रहे हो? मतलब ये तस्वीरें अपनी सोशल मीडिया में लगवाना चाह रहे हो, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वैल्यू बनवाना चाह रहे हो, क्या बनवाना चाह रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही, जरा समझाओ तो सही लोगों को। भाई क्रिकेट के ऊपर फोकस करो, ये क्या सिलसिला शुरू कर दिया? कोई 50 कर रहा है, कोई आउट कर रहा है, तो ये उंगली लगने वाली थी पाकिस्तान को, फेटी होने वाला था काम तमाम, पर फिर श्रीलंका में आ गया कुदरत का निजाम। वाह 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 वाह, चुप करके बैठ है बदजुबान। बात सुनो, आते आते बच गए आज, आते आते बच गए तुम लोग आज, शुक्र बनाओ बारिश होगी। अरे देखो आज ही चीज हो गया ना, शोएब हमारे बॉलर्स को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, आप भी तो हार सकते थे, मतलब पाकिस्तान की टीम भी तो हार सकती थी। ओए मेरी बात सुनो, मोटो के ग्लैडिएटर्स तारीफ कर रहे हैं, तारीफ कर रहे हैं, कोई गलत तरीके से मिलेगा। मेरी बात सुनो, आज बच गए हो, जान छूट गई है आज। चलो आकाश को पता मैं कहां से आ रहा हूँ, बच गए हो। So, अच्छा चलो सीरियस नोट बात करते हैं। अच्छा वो बारिश हो गई, स्पेल अच्छा करा दिया शाहीन शाह अफरीदी ने, बेस्ट फास्ट बॉलर नसीम शाह आपको इससे बेहतर नजर आएंगे। हारिस आपको पता है 148-150 डालते हैं, गुड टेस्ट रन फॉर ऑल ऑफ देम, बट अगेन यार कमियां आप में बहुत है, कमियां हम में भी बहुत है जी। आपको पता है 20 के ओवरों में हमने भी मार खाई है और आपके पास टॉप ऑर्डर आपका भी पिछले कई सालों से कोलैप्स करता जा रहा है, और आपको ये भी पता है जब 3 आउट होते हैं 4 आउट होते हैं एकदम इंडिया गिरता है नीचे, और वो तो शुक्र करें ईशान सेंसिबल खेल गया, रन बॉल खेल गया, अगर वो रन बॉल ना खेलता तो आप 200 से नीचे ऑल आउट हो जाते, तो फिर क्या मजा रहना था। चलो अच्छा बारिश हुई, जान छुट्टी यार, अगले मैच में देखेंगे जी, कोई बात नहीं। सर ये हर जगह परफॉर्म करना चाहते हैं, जो कुछ पाकिस्तानी मेरे छनकने के फैंस आके ये कह रहे हैं ना अपने घर में करते हैं, उत्तर साउथ अफ्रीका में जाके ना जहां पाकिस्तान के बड़े बड़े सीनियर प्लेयर भी जाके लेट जाते हैं टांगे खोल लेते हैं, उधर इंडिया के बच्चे जाके साउथ अफ्रीका को पेल के आए हैं, उनके घर में जाके T20 और वनडे सीरीज जीत के आए हैं, अभी इन द एब्सेंस ऑफ रोहित शर्मा और विराट कोहली आपके छनकने बजा के आए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी घंटे इनको फजूल बगैरतियां करने के अलावा कोई काम नहीं आता। मैं उनको बता दी जो कह रहे थे कि इंडिया ने घर में सीरीज जीती है, भाई ये उंगली किसको दिखा रहे हो? क्या टीम मैनेजमेंट के जो लोग हैं आपके उनको दिखा रहे हो, या टीवी चैनल्स पे इतने क्रिकेटर्स बैठे हुए हैं उनमें से किसी को दिखा रहे हो? अगर क्रिकेट जो टीवी चैनल्स भी बैठे हैं उनको किसी के दिखा रहे हो तो इसका मतलब क्या है कि आपकी सिर्फ तारीफें होंगी, आपकी सिर्फ तारीफें की जाएंगी, उसके बगैर उसके अलावा आप पे क्रिटिसिज्म नहीं होगा, क्योंकि आप क्यों आप लोग सारे आसमानों से उतरे हो? भाई जितने भी क्रिकेटर्स टीवी चैनल्स पे बैठे हुए हैं वो अपने हिसाब से बात करते हैं, अगर वो समझते हैं कि फलाने ने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, फलाना ऊपर क्यों आया, फलाना ने गंदी बॉलिंग की, फलाने को इस नंबर पे क्यों भेजा, ठीक है फलाने ने कैच क्यों छोड़ा, तो अगर वो टीवी चैनल्स पे सारे क्रिकेटर्स बैठ के ये बात करें तो क्या गलत डिस्कस कर रहे हैं? मतलब आप लोगों को क्या तकलीफ है कि टीवी चैनल्स में हमारे अगेंस्ट कोई बात नहीं होनी चाहिए, सोशल मीडिया में हमारे अगेंस्ट कोई बात नहीं होनी चाहिए? या आप उनके खिलाफ हैं या आप टीम मैनेजमेंट के खिलाफ हैं, उनके खिलाफ तो आप हो नहीं सकते क्योंकि आप 24 घंटे उनके साथ हैं। इसका मतलब क्या है कि आप लोग सब टीवी चैनल्स वालों के खिलाफ हो, सोशल मीडिया वालों के खिलाफ हो। क्या हुआ उसके बाद? शाहीन साहब ने 50 किए यूं किया, उसके बाद मैच मरवा दिया उसने, 16 रन दिए सर आपने मैच हरवा दिया आज 16 रन दे के। सऊद शकील ने 2 चौके लगाए, उसके बाद वसीम जूनियर ने लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे। 100% मुझे डाउट था कि शाहीन जो है चौका खा लेगा, क्योंकि उसकी वजह यह है कि शाहीन चाहे नया बॉल कर रहा है चाहे पुराना बॉल कर रहा है, शाहीन को आगे शौक है बॉल करने का। मुझे बहुत अच्छे तरीके से आइडिया था अगर इसका यॉर्कर नहीं हुआ तो इसका बॉल हॉफली हो जाएगा, और वसीम जूनियर साहब बल्ले घुमा लेते हैं। उसने सिर्फ बल्ला घुमाना था, उसने ये थोड़ी देखना था गेंद किधर है, स्लो वन है तेज है क्या है। अब एक बैट्समैन ने बल्ला घुमाना है और आप उसके रडार में दे रहे हो तो भाई छक्का तो लगना ही है ना यार। इंडिया की बात करेंगे, एशिया कप से ले लें आप, वर्ल्ड कप से ले लें आप, अभी तक जितने भी मैचेस खेले हैं, जितनी भी सीरीज खेली है, इंडिया को भी हरा नहीं पाया, अनबीटेबल टीम बनती जा रही है, कोई दुनिया में उसको हरा नहीं पा रहा, इसके पीछे रीजन क्या है? क्या उनकी मेरिट सिलेक्शन है, क्या रीजन है उनके पीछे? देखिए जिस तरह के उनके यंगस्टर परफॉर्म करते हैं,
और डेफिनेटली इसमें बड़ा हाथ है रोहित शर्मा की लीडरशिप स्किल्स का. वो उसकी अपनी परफॉर्मेंस भी देखें ना, बहुत कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते हैं है. और उनके बॉलर्स बहुत अच्छे हैं, इस वजह से वो अनबीटेबल है डेफिनेटली. क्या इसके पीछे आईपीएल की रीजन है कि भाई आईपीएल से वो लीग जो है वो खिलाते जा रहे हैं अपने बड़े प्लेयर्स के साथ, पूरी दुनिया से वो सिलेक्शन करते हैं स्टार्क जैसे प्लेयर्स और पैट क्यूमन जैसे कैप्टन को लेके आते हैं और अपने यंगस्टर के साथ खिलाते हैं, वहां से क्या लगता है आपको कि वो प्लेयर्स को निकालते हैं और वहां से ग्रूम करते हैं? बिल्कुल ऐसी बात है, जैसे शुभमन गिल है, यशस्वी जायसवाल है और दीपक हुड्डा है, बिल्कुल देखें वो आईपीएल से आ रहे हैं, आईपीएल उनको बड़ा ग्रूम करता है, उनका मैनेजमेंट सिस्टम बहुत अच्छा है, वो प्लेयर को ग्रूम करके हमारे इधर यंगस्टर्स को जाया कर देते हैं, बहुत ऐसी है. वो वहाँ पर बहुत ग्रूमिंग करते हैं, उनकी उनकी टेक्निक को साउंड बनाते हैं और इस तरह वो आकर इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म करते हैं. हमारी भी तो पीएसएल है, हमारी पीएसएल में बहुत बड़े प्लेयर्स नहीं आते और हमारे जो यंगस्टर है वो बहुत ज्यादा ग्रूम नहीं हो पाते और इंटरनेशनल लेवल पे आके बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते. इसके पीछे क्या रीजन है कि हमारे पास वो पैसे नहीं है पीसीबी के पास या फिर हमारे पीएसएल में बड़े बड़े प्लेयर्स खेलना नहीं चाहते? देखिए इसकी मेन रीजन ये है कि हमारे यंगस्टर्स को कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए जाते. बेटा उनके बच्चे बजा गए हैं सबकी. इंडिया ने डब्ल्यूटीसी में दोबारा जो है वो नंबर वन पोजीशन हासिल कर लिया है और इंडिया एक ऐसी ऐसी पोजीशन पे अब चला गया कि इंडिया अब नीचे नहीं इधर से आएगा. क्योंकि सर इंडिया ने जो है वो 9 मैच खेलनी है, 9 में से इंडिया ने 6 जीते हैं, 2 हारे हैं और 68.51 मतलब इंडिया के पॉइंट्स हैं. अब इधर से अगर आप अंदाजा लगा लो, न्यूजीलैंड के 60 हैं, ऑस्ट्रेलिया के 59.09 है, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे है. ओए होए होए होए, पाकिस्तान बांग्लादेश से भी नीचे है. वो बांग्लादेश जिन्होंने आज तक टेस्ट क्रिकेट की हिस्ट्री में सिर्फ और सिर्फ महज 13 टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं. बांग्लादेश ने आज तक सिर्फ 13 टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं और पाकिस्तान जिन्होंने 148 टेस्ट मैचेस जीते हुए हैं, सर वो बांग्लादेश से भी नीचे है. हमारी क्रिकेट का घंटा और छनकना दोनों बज चुके हैं भाई, मैं आपको बता दूं हमारी क्रिकेट का घंटा और छनकना दोनों बज चुके हैं और इनके साथ साथ एक चीज और भी बज चुकी है जिसका नाम है बाजा, ये भी बज चुका है हमारी क्रिकेट का. शर्म नहीं आ रही मेरे पबजी घंटे को, देख ले भाई पाकिस्तान की इधर खड़ी हुई है. बातें करवा लो इनसे, ये जो ट्विटर पे बैठ के ना बकवास करते हो ना, पाकिस्तान को देख लो बांग्लादेश से नीचे है पॉइंट टेबल में, ठीक है, और रैंकिंग में भी हम बांग्लादेश से नीचे ही रहते हैं. हमारी क्रिकेट बांग्लादेश वेस्ट इंडीज जिस तरह मिसाल के तौर पे इंग्लिश बैट्समैन है जो जैक क्रॉले हो गया, ओली पॉप है, वो 10 मैच जब वो स्टार्ट में आया तो उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दी लेकिन उन्होंने उनको कंसिस्टेंट चांसेस दिए. हमारे एक प्लेयर में अगर एक सीरीज में नहीं चलता तो उसको बिठा देते हैं, मिसाल के तौर पर फवाद आलम था, उसने एक सीरीज में नहीं परफॉर्म किया उसको बिठा दिया गया, हालांकि उसके टेस्ट रिकॉर्ड बहुत अच्छा था, अवे रिकॉर्ड में उसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया अवे कंट्रीज में, हमारे कंसिस्टेंट चांसेस नहीं दिए जाते. इंडिया के डेबिटेंट की बात करें आप, अगर सरफराज की बात कर लें, देव दत्त की बात कर लें, आप दारव की बात कर लें, आप शिवम दुबे की बात कर लें, जो भी इंडिया का डेबिटेंट आता है वो एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे पहले मैच में भी 50 कर जाता है, कोई सेंचुरी कर जाता है, कोई जो है ऐसी परफॉर्मेंस कर जाता है कि पूरी सारी दुनिया जो है हैरान रह जाती है. इंडिया का डेबिटेंट इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है? देखें इसके पीछे जो मेन कारण है ना वो है इंडिया की रणजी ट्रॉफी. अच्छा, आप देखें जो सरफराज अहमद है ना जो मुस्लिम है इंडिया में, वो पिछले 4 से 5 सालों से उसकी रणजी ट्रॉफी में जो एवरेज है ना वो 100+ होती है, कभी कभार 80+ होती है, कभी 90+. जायसवाल हमारे इधर जब नेशनल T20 कप होता है या फिर कराची में जो टेस्ट मैच होते हैं डोमेस्टिक, हमारे वहाँ पे प्लेयर्स खेलते ही नहीं है, ये लीग्स को प्रेफर करते हैं, बाहर वाले मुल्क में पैसा कमाने के लिए, ये मुल्क को प्रायोरिटी नहीं रखते. सरफराज खान है उनका, श्रेयस अय्यर देखिए अब उनका मेन प्लेयर है लेकिन वो भी वहाँ पे खेल रहे हैं रणजी ट्रॉफी में. इस तरह जायसवाल है वो भी उधर से रणजी ट्रॉफी से आ रहे हैं. हमारे ऐसा कोई अच्छा सिस्टम नहीं है डोमेस्टिक प्लेयर्स के लिए जो उनको ग्रूम करके इंटरनेशनल लेवल, इंडिया से सीखना चाहिए पाकिस्तान को भी, जाहिर बात है जो एक अच्छा खेलता है या उनकी मैनेजमेंट अच्छी होती है चाहे कोई भी हो. तो दोस्तों इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और 4-1 से इंडिया ने टेस्ट सीरीज जीत ली है और भाई बेसबॉल को जो है बेसबॉल की जो हिस्ट्री है वो ख़त्म कर दी है इंडिया ने. और बेसबॉल का जो एक दबदबा था भाई इंग्लैंड बेसबॉल के नाम से जाना जाता था तो उस बेसबॉल को भी इंडिया ने फिनिश कर दिया है, कोई बेसबॉल नहीं बचा. और अब इंतज़ार है आईपीएल का, 22 मार्च से आईपीएल स्टार्ट हो रहे हैं और बड़ी ही बेसब्री से इंतज़ार है आईपीएल का क्योंकि आईपीएल के अंदर वर्ल्ड के सारे टॉप प्लेयर्स खेलने के लिए आ रहे हैं और बड़ा ही मज़ा आएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग और रोमांचक मैच होंगे आईपीएल के अंदर. तो दोस्तों 22 मार्च से स्टार्ट हो रहा आईपीएल और पहला जो मैच है वो चेन्नई सुपर किंग्स और आरसीबी के बीच है, शाम को 8 बजे स्टार्ट होगा. तो इंतज़ार है सभी को आईपीएल का. और भाई टीम इंडिया के अंदर जो विराट कोहली का काफ़ी लंबा टाइम हो गया उनको खेलते देखते हुए क्योंकि उन्होंने टेस्ट सीरीज से रेस्ट ले रखा था, पूरी टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड के साथ एक भी मैच उन्होंने नहीं खेला. तो दोस्तों आईपीएल में विराट कोहली को भी खेलते देखेंगे. तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना. तो अगली वीडियो में जल्दी मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत.